गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के टॉपिक में हमको पढ़ना है हार्ड डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोल, डीवीडी ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव, डिस्क हार्ड डिस्क इंटरफेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है। देखिए, हार्ड डिस्क को हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, किससे HDD के नाम से भी जानते हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क का काम डेटा को स्थाई रूप से स्टोर करने और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए पाटा, एसटीएसआई, साटा आदि केबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। हार्ड डिस्क को इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज का प्रयोग करता है। क्लियर, यह आपके हुआ हार्ड डिस्क। अब देखिए, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल पहली बार क्रमेक 305 सिस्टम में प्रयोग किया गया था। इसमें 5 MB की स्टोरेज कैपेसिटी थी। क्लियर है, 5 MB की। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में बिल्ट इन थी, रिमूवल नहीं थी। जब सबसे पहले इसको यूज किया गया, दुनिया की पहली हार्ड ड्राइव 13 सितंबर 1956 को IBM द्वारा बाजार में पेश की गई थी। कब? 13 सितंबर 1956, 13 सितंबर 1956 को IBM ने 2.6 MB कैपेसिटी वाली पहली रिमूवल हार्ड ड्राइव को सन 1963 में डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1963 में। सन 1980 में IBM ने ही 550 पाउंड वजन वाला 1 GB का स्टोरेज कैपेसिटी वाला पहला हार्ड ड्राइव को भी डेवलप किया था। रुडमी द्वारा सन 1983 में सबसे पहले 3.5 इंच वाला हार्ड ड्राइव डेवलप किया गया, जिसमें 10 MB की स्टोरेज कैपेसिटी थी। सीगेट ने 1992 में 7200 RPM हार्ड ड्राइव पेश किया था। सीगेट ने 1996 में पहली बार 10,000 RPM हार्ड ड्राइव और 2000 में पहली 15,000 RPM हार्ड ड्राइव की पेश किया है। पहली सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे कि हम उन्हें आज जानते हैं, 1991 में स्कैन डिस्क, हालांकि यह फ्लैश बेस्ड SSD नहीं थी, जिसके बाद 1995 में एम सिस्टम द्वारा पेश किया गया। क्लियर है, हार्ड ड्राइव जो आमतौर पर कंप्यूटर के भीतर डेटा को एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज प्रदान करता है, एवं और उनके अंदर 4 प्रमुख घटक होते हैं। जैसा आपको पता है, प्लेटर होता है, इसका काम डेटा को स्टोर करना होता है। स्पाइंडल होते हैं, इसका कार्य
प्लेटर्स को स्पिन करना होता है, रीड राइट अलार्म होता है उसमें, जिसको जिसका काम क्या होता है, रीड राइट करना होता है। और एक्सक्यूटर होते हैं, इसका कार्य रीड राइट कार्यों में कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, हार्ड डिस्क को निम्न चार पांच भागों में बांट सकते हैं हम लोग, अभी आगे बताऊंगा आपको। पहला पाटा, दूसरा साटा, तीसरा SPSI, चौथा SSD। पाटा में पैलर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा का फुल फॉर्म क्या हुआ, पैरलर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SPSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर है। अब पाटा क्या है, ये प्रथम प्रकार की जो हार्ड डिस्क आपकी आई, ड्राइव आई, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पाटा बोलते थे। पाटा ड्राइव में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट इंटरफेस मापक का उपयोग किया गया। इस प्रकार के ड्राइव को हम इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, और इनहेंस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक के रूप में रेफर करते थे। वेस्टर्न डिजिटल बैंक द्वारा 1986 में पाटा ड्राइव को पेश किया गया था। जो पाटा ड्राइव की जो डेटा ट्रांसफर रेट थी 133 MB पर सेकंड होती थी। इसके बाद साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इन हार्ड ड्राइव में डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में पाटा ड्राइव को बदल दिया गया। साटा और पाटा के मुच भौतिक इंटरफेस का है अंतर क्या है, जो उसकी फिजिकल इंटरफेस है, सिर्फ डिफरेंस आपका वो है। यह ड्राइव सीरियल सिंगलिंग तकनीक का उपयोग करके डेटा को पाटा ड्राइव की तुलना में तेजी से डेटा को ट्रांसफर करता है। जो साटा केबल होती है वो आपकी पतली होती है, किसके मुकाबले में, पाटा केबल के मुकाबले में, और ये कम लाइट की खपत करते हैं। SPSI ये काफी हद तक IDE हार्ड ड्राइव के समान ही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करते हैं। SPSI ड्राइव को आंतरिक या बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है। SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, पूरा नाम आपको पता ही है। चलिए हम समझते हैं हार्ड डिस्क, अब इसमें आते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, इट इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर लेयर। इट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो मैंने आपको बताया। इट्स स्टोर्ड इन 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड मस्ट अदर फाइल्स आर स्टोर इन द HDD। क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और जो भी इंपॉर्टेंट फाइल होती है जब लोग HDD में स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव फुल फॉर्म हुआ इसका। नाउ डे HDD विद 3.5 इंच और 5.5 इंच प्लेटर्स इन डिफरेंट कैपेसिटी सच है 10 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB हार्ड डिस्क आती है। ये देखिए आपकी हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर फिगर है, सॉरी ये आपका बेस कॉस्टिंग है, कवर माउंटिंग होल्स है, ये स्पाइंडल है, ये स्लाइडर एंड हेड, ये है आपका एक्यूलेटर एलआर, एक्यूलेटर एक्सेस, एक्यूलेटर आपका ये है, SCI इंटरफेस,
जम्फर पिन, जम्फर, पावर कनेक्टर, टैप स्टील, रिबन, ये प्लेटर्स है, प्लेटर्स, केस माउंटिंग होल्ड। आपको मैं दिखा चुका हूँ आपको। या कि पाटा हार्ड डिस्क, देख रहे ऊपर करके भी दिखाया था आपको मैंने। देखिए ये प्लेटर्स है, केस माउंटिंग होल लिए हैं इधर, ये आपका एक्यूटर के था, निकल गया कुछ, रिडाइड अलार्म था पूरा ही, आपको दिखा चुका हूँ। कनेक्ट करने के लिए भाई ये जम्फर पिन है यहाँ पे, ये देखिए पावर कनेक्शन के लिए ये है पावर कनेक्टर, एससीआई इंटरफेस लगा हुआ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव, डिस्प्लेटर, यह है आपका डिस्प्लेटर, स्पाइडल मोटर, स्पाइंडल मोटर, स्टीपर मोटर, स्पाइंडल मोटर, रीड राइट हेड, ये आपका रीड राइट हेड है आपका। डिस्प्लेटर क्या है, जैसे आपको मैंने बताया डिस्प्लेटर क्या काम करता है, द प्लेटर्स इज मेड अप टू द मैग्नेटिक मटेरियल, आपका जो प्लेटर्स है किससे बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। द डेटा स्टोर, जो आपका डेटा स्टोर है इन द प्लेटर्स, कहां पे स्टोर होगा, प्लेटर्स में स्टोर होता है। ईच सेट ऑफ मैग्नेट प्लेटर्स इज कलेक्टेड, कलेक्शन ऑफ यूनिट कॉल्ड बिट, क्लियर है। न्यू हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी यूजेस थिन फिल्म मेटल एंड ग्लास प्लेटर्स इंक्रीज इफेक्टिविटी टू ड्राइव स्टोरेज कैपेसिटी। स्टेपर मोटर क्या करेगा, यूज स्टेपर मोटर फॉर कंट्रोलिंग रीड राइट हेड पोजिशन, स्टेबलर मीटर जो है रीड राइट जो आपका हेड पोजीशन उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्टेपर मोटर यूजली यूज 12 वोल्ट पावर, बट सम न्यू पावर डिवाइसेस यूज 5 वोल्ट पावर सोर्सेस। स्पाइंडल मोटर क्या करेगा, टू कंट्रोल द प्लेटर्स, प्लेटर्स को कंट्रोल करने के लिए। दिस मोटर्स रोटेट टू स्पिन 3600 to 10,000 RPM और द प्लेटर्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। रीड एंड राइट हेड, द रीड एंड राइट हेड इंफॉर्मेशन टू द ड्राइव प्लेटर्स, द रीड राइट मैग्नेट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेटर्स हेड आर यूज फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन, ये क्या करेगा, रीड राइट को ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जो आपका डिस्क, ये डिस्क है जो प्लेटर्स है उसकी, ये एक डिस्क है, ये इसके ट्रैक होते हैं, ये सेक्टर होते हैं, सिलेंडर और स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए ए ट्रैक है ये, बी ये आपका क्या है, सेक्टर है, सी सिलेंडर, डी आपका ये स्टोरेज कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। ट्रैक द एसटीडी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंसिस्टेंट
सर्कुलर कॉर्ड ट्रैक जो आपके गोल संरचना होती है, सर्कुलर पाथ इज सेक्टर इज कॉल्ड ट्रैक, सेक्टर डेटा स्टोरेज एरिया इन द वन ट्रैक मल्टीपल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्लॉक इन द कॉल्ड सेक्टर। आपका जो ट्रैक है कई भाग उस सेक्टर में बटा होता है। इस सेक्टर कैन हैव 512 बाइट्स ऑफ द डेटा सिलेंडर। अ सेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रैक इन ऑल साइड्स ऑफ फॉरवर्ड हार्ड डिस्क इज कॉल्ड सिलेंडर। स्टोरेज कैपेसिटी टू हैविंग फार्मूला शो बिलो। स्टोरेज कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर्स इनटू ट्रैक पर सिलेंडर्स। सिलेक्टर पर ट्रैक बाइट्स पर सेक्टर। जंपर सेटिंग फॉर वन हैव इट हैव 8 पिन 2 रो 4 पेयर के रूप में ये होते हैं। ये रो पिन हो गई आपकी, जंपर की सेटिंग होती है। पार्टीशन ऑफ एसडीडी, जो पार्टीशन होते हैं चार प्रकार के, प्राइमरी पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन और एक्टिव पार्टीशन। जब लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जहां जिसमें लोड करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी पार्टीशन कहलाता है। जो प्राइमरी पार्टीशन होता है वो बूट के समय ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। एक्सटेंडेड हार्ड डिस्क में कंटेन ओनली वन एक्सटेंडेड पार्टीशन। इस एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन बी सब डिवाइडेड इंटू मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल पार्टीशन कहता है अलायंस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल इनटू अ लॉजिकल। जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लॉजिकल पार्टीशन वाले जो सिस्टम हार्ड डिस्क है उसमें इंस्टॉल होता है और रन होता है। एक्टिव पार्टीशन, ओनली वन पार्टीशन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी सेट देन एक्टिव पार्टीशन फॉर बूटेबल पार्टीशन। फाइल सिस्टम ऑफ इन एचडीडी, दो प्रकार के फाइल सिस्टम होते हैं जो आपको बताया था, फैट और एनटीएफएस। फैट मींस फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस न्यूट्रल टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। दोनों का फुल फॉर्म क्या हुआ, फैट का फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जो फैट सिस्टम है सिक्योर नहीं है, जबकि एनटीएफएस सिस्टम जो है, जो फाइल सिस्टम है आपका क्या है, सिक्योर है। पार्टीशन साइज फैट की 32 GB है, जबकि एनटीएफएस की पार्टीशन साइज 1 TB है। फैट जो आपका फाइल सिस्टम है डेटा कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि एनटीएफएस सपोर्ट करता है। फैट डिस्क क्वोटा को सपोर्ट नहीं करता है। यह आपका विंडोज कंप्यूटर होता है 95-98 MS-DOS, जबकि एनटीएफएस आपका विंडोज एसपी 2000, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 इसको सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग इन एचडीडी, हार्ड डिस्क इंटरफेस तीन प्रकार के आपको बताया, आईडीई, साटा, SSDI। आईडी इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम लोग पाटा ही बोलते हैं। इट हैज 40 पिन कनेक्टर्स, डेटा ट्रांसफर रेट इज 133 MBPS, बताया मैंने आपको, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं क्या करता है। इफ यू हैव टू डिवाइस कनेक्टेड, वन एचडीडी कंट्रोलर, वन मस्ट बी सेट अप मास्टर एंड सेट बी स्लेव। ये देखिए दो आपके हार्ड डिस्क में कनेक्ट है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, पाटा पावर आपको बताया मैंने, जम्पर आपको दिखाया, पाटा ड्राइव बताया। ये देखिए ये आपका केबल है, पाटा केबल। साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इट हैज 7 पिन कनेक्टर, इट इज लेटेस्ट हाई स्पीड टाइप ऑफ हार्ड डिस्क टाइप कनेक्टर, बताया मैंने आपको। इसका जो डेटा केबल होता है पतला होता है, जो आजकल मार्केट में मिल रहा है। पाटा सॉकेट पावर कनेक्शन डेटा केबल, ये देखिए इस प्रकार से ये आपको शो होगा, ये मदरबोर्ड में इस प्रकार से बिल्ट होगा।
पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, अभी मेरे पास तो आपको दिखाऊंगा। पाटा बहुत पतली केबल होती है, रेड कलर की आपको दिखाई थी। ये देखिए इस प्रकार से, ये हार्ड डिस्क और केबल में, ये आपका पावर का साटा केबल बहुत अच्छी रही। हार्ड डिस्क में जो आपकी लगती है इस प्रकार से सेटा केबल लगती है। SI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसमें 50 से लेकर 68 पिन कनेक्टर होते हैं। इसका डेटा ट्रांसफर रेट 600 MB पर सेकंड होता है। इसके लिए SCSI के अडैप्टर कार्ड की आवश्यकता होती है कनेक्ट करने के लिए सिस्टम को। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये, इसका यूज इसमें नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम क्रिएटेड इन एसएसडी जो होते हैं, नो पेन सिस्टम इन हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क बूट फेलर। देखिए जो हमारे हार्ड डिस्क में ये प्रॉब्लम आती है, नो ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आपकी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा हार्ड डिस्क में, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। जब डिस्क बूट फेलर आता है, ये तब कब आता है, जब हमारी केबल लूज हो गई, हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, डेटा केबल में उसके प्रॉब्लम है, तब इस प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट होती है। क्लियर। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क कैपेसिटी एंड साइज इंफॉर्मेशन। हम लोग इसके लिए मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इसका यूज करते हैं। यह आपकी केबल दिया गया है, बिट 0 और 1, केबी किलोबाइट, 1024 बिट, बाइट में 6 बिट, 1 बाइट में 6 बिट होते हैं, 1 केबी किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 एमबी मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होते हैं। क्लियर है, ये आपका साइज आपको कैपेसिटी आपको दिखाई गई। 1 TB में 124 गीगाबाइट होंगे, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होंगी, 1 एग्जाबाइट में 1024 पेटाबाइट होंगी, 1 जीटाबाइट में 1024 एग्जाबाइट होंगी, और 1 बाइट में 1024 गीगाबाइट होंगे। 1 GB इक्वल टू 1024, बट मट बी इजली कैलकुलेशन नॉर्मली इंटरेस्ट से 1 GB इक्वल टू 1000 MB हम लोग कैलकुलेट करते हैं। होता तो 1024, लेकिन हम लोग नॉर्मली 1 GB इक्वल टू 1000 MB हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग 24 MB को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि 1 MB आपके 1000 KB के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आज आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया पूरा। नेक्स्ट क्लास में आपके विषय को कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू।